शहर में केसरी राशन कार्ड धारकों की समस्या के विषय को लेकर भाजपा सोमवार को मोर्चा निकालेगी। मोर्चा के नेतृत्व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस करेंगे। भाजपा के शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके ने पत्र परिषद के दौरान यह जानकारी साझा की। मोर्चा सुबह 11 बजे यशवंत स्टेडियम से निकलकर जिलाधिकारी कार्यालय में पहुँचेगा। दटके ने कहा कि शहर में 2,67,000 केसरी कार्ड धारकों को राशन से वंचित रखा जा रहा है। राज्य सरकार ने करीब 9.5 लाख नागरिकों को राशन से वंचित रखा है। इससे पहले भी भाजपा की ओर से इस मांग को लेकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। लंबित राशन कार्ड धारक परिवारों को अंत्योदय योजना में शामिल करने की मांग की गई है। भाजपा के नेतृत्व की सरकार के समय भी सभी घटक को न्याय देने का प्रयास किया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार न्याय नहीं दे पा रही है। दलालों के माध्यम से अनाज की कालाबाजारी की जा रही है। दलाल भ्रष्टाचारियों को प्रशासन की मदद मिल रही है। जिलाधिकारी को 3 बार निवेदन दिया गया, लेकिन प्रशासन सुस्त है। पालक मंत्री केवल घोषणाएं करने में व्यस्त है। मोर्चे की तैयारी को लेकर उपेंद्र कुठेकर, गिरीश व्यास, संदीप जोशी, जयप्रकाश गुप्ता, संजय बंगाले, राजेंद्र सायरे सहित अन्य नेता पदाधिकारियों के माध्यम से शहर में विविध क्षेत्र में बैठक ली गई है। यह मोर्चा भव्य होगा। पत्रकार वार्ता में विधायक कृष्णा खोपड़े, विजय आसोली, संजय अवसट, चंदन गोस्वामी उपस्थित थे। 2,67,000 केशरी धान्याचे जे कार्ड आहे, जे त्या नागरिकांना 8 रुपये किंवा 12 रुपये प्रमाणे धान्य मिळायचं, असे सगळे कार्ड वेगवेगळ्या कॅटेगरीत टाकून या सरकारने किंवा या विभागाच्या अन्नधान्य विभागाने बंद केले आहेत। आमची मागणी आहे की गरजू माणसाला अन्नधान्य मिळालं पाहिजे। म्हणजे जो लाभार्थी आहे, योग्य लाभार्थी, त्याला हे धान्य मिळालं पाहिजे। आणि याच्यासोबत त्याचं ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नीट झालं पाहिजे। त्याच्या रेशन कार्डवर जे नाव आहे ते सगळे, त्याचे आधार कार्ड लिंक झाले पाहिजे, ते धान्य त्याच्याच खात्यात गेलं पाहिजे, त्याचा काळाबाजार होऊ नये। आणि जी प्रक्रिया क्लिष्ट केली आहे ती तात्काळ सोपी करावी, अशा अनेक मागण्यांकरता आमचा 15 तारखेला मोर्चा आहे। या मोर्चात किमान 25,000 लोक राहतील असा आम्हाला विश्वास आहे, कारण फार कोविड नंतरच्या काळात नागरिकांना प्रचंड त्रास होतो आहे। आणि सरकार हे नागरिकांच्या मदतीकरता असलं पाहिजे, त्यांना त्रास देण्याकरता असू नये। पण हे महाविकास आघाडीचं बोगस सरकार या मध्यमवर्गीय गोरगरीब माणसाला त्रास देत आहे, आणि हा त्रास त्यांना सहन करावा लागू नये म्हणून भारतीय जनता पक्षाचा प्रत्येक कार्यकर्ता रस्त्यावर उतरून आम्ही हा मोर्चा काढतो, आणि या मोर्चातून त्यांना न्याय मिळेल असा आम्हाला विश्वास। कॅमेरा पर्सन मायकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपूर।